हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं अपना प्यारा से यूट्यूब चैनल जुगाड़ू ब्रदर्स। तो आज की वीडियो में आप देख रहे होंगे मेरे पास है एक पेपर गन। तो पेपर गन बनाना काफ़ी इजी और सिंपल है, तो इसको आप घर बैठ के इजी तरीके से बना सकते हैं। तो कैसे बनाना है पेपर गन जानने के लिए देखते रहे हमारी ये वीडियो। तो सबसे पहले जान लेते हैं जो हमें सामान चाहिए होगा। तो कुछ हमें कलर शीट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, एक पेंसिल ले लीजिए, एक टेप, एक सीजर्स और दो रबड़ बैंड की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए इन सबको साइड करते हैं और शीट्स ले लेते हैं। तो शीट्स जो लीजिए वो मैं रिकमेंड करूँगा कि पतली लीजिए ताकि हमें रोल करने में ईजी हो। तो मैंने ये स्केल नीचे रखा है अपने रेफरेंस के लिए, आप रख भी सकते नहीं भी रख सकते। और हमें जो टेप लगानी है, ये टेप ये आधी शीट पे लगेगी और आधी नीचे लगेगी। इसका भी रीज़न मैं बताऊंगा क्यों हम ऐसे कर रहे हैं, देखते रहिए ये वीडियो। तो ये हमें पहले साइड से कट कर देते एक्स्ट्रा टेप को, ये देखिए। अब हम स्केल से ये टेप हटा लेते हैं। तो हटाने के बाद हमें पेंसिल रखनी है और इसको रोल करना है। तो देखिए अच्छे से रोल करना है और ये जो हमने टेप जो लगाई थी वो अंदर जाके चिपक जाएगी। तो चिपकने से ये होगा कि ये शीट लूज़ नहीं होगी और निकलेगी नहीं और अंदर से भी अच्छे से फंक्शन करेगी। अब हमें सबसे पहले एक बीच में टेप लगा लेना है और साइड से भी आप लगा सकते हैं, और ये इतना लूज होना चाहिए कि पेंसिल आराम से निकल सके। अब एक और हम शीट ले लेते हैं, इस पर भी सेम प्रोसीजर करना है, टेप लेना है और आपको आधे पे लगाना है शीट पे और आधे पे नीचे। ये करने के बाद आप पेंसिल ले लेंगे और इसे रोल करेंगे। तो रोल इसे बिल्कुल टाइटली करना है क्योंकि ये जो पार्ट है ये ट्रिगर बनने वाला है और ये उस जो हमने पहले बनाया था रोल उसके अंदर जाएगा। तो इसको बिल्कुल टाइटली करेंगे एकदम बारीक तरीके से, उसको हमने थोड़ा लूज़ किया था, इसको बिल्कुल टाइट करेंगे ताकि अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट हो सके। तो लीजिए ये हमारा हो गया है। टेप को मैं जोड़ लेता हूँ और ये पेंसिल निकाल लेंगे। पहले टेप निकाल लगा देते हैं यहाँ पे बीच में ताकि ये खुले ना, फिर पेंसिल निकालेंगे। ये देखिए तो ये पेंसिल निकाल ली हमने और इसको हम साइड से कट करेंगे क्योंकि ये ट्रिगर है तो ये उससे छोटा होगा। देखिए साइड से हम दोनों साइड से इसे कट कर देंगे। तो ये देखिए कुछ ये ऐसा लगेगा। अब एक और आपको शीट ले लेनी है और इसको पहले जैसे मैं फोल्ड कर रहा हूँ हाफ में ऐसे, ये शीट आप मोटी ले सकते हैं क्योंकि ये हमारा हैंडल बनेगा, हमारे बंदूक का ये हैंडल बनेगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से शीट को फोल्ड कर लीजिए। तो दोस्तों ये देखिए हमारा हैंडल कुछ ऐसा लगेगा। और कैसे लगाना है ये हैंडल तो देखते रहिए वीडियो, आप सब कुछ बताऊँगा मैं। तो ये देखिए कुछ ये ऐसा लगेगा ये हैंडल, इसको आप मजबूत करने के लिए टेप भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए हैंडल मैंने फिट कर दिया है, ये देखिए कितना बढ़िया हमारा हैंडल बना है, मैंने थोड़ा टेप भी लगा लिया है। ये देखिए ये अच्छे से इसमें फिट हो रहा है और इसको मैंने साइड से गोल सा कर दिया ताकि ये हमारे बंदूक को पिचकाए ना और हमारे ट्रिगर अच्छे से वर्क कर पाए। तो देखिए इधर भी हमें एक टेप लगा लेनी है ताकि हमारा हैंडल मूव ना करे। ये देखिए अब ये फिक्स हो चुका है। देखिए अब हमें अपना ट्रिगर को बिल्कुल अच्छी तरीके से बना लेना है। तो हमें दो रबर बैंड लेना है और एक साइड में ऐसे कुछ तरीके से लगाना है और हम इस पर वर्टिकली टेप लगाएंगे। तो दोस्तों अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही हो। ये देखिए हमने टेप लगा दिया है, एक और टेप लगा लेंगे ताकि ये मजबूत रह सके। तो ये देखिए काफ़ी हमारा ट्रिगर बहुत सही बना है,
देखिए काफी सॉलिड भी है ये, आगे से भी इसको कवर करना जरूरी है ताकि बंदूक की गोली इसके अंदर ना फंसे और ये वर्क अच्छे से कर सके। तो इसको भी अच्छे से हम क्लोज कर देंगे। तो देखिए कुछ ये ऐसा बन जाएगा। तो हमारे ट्रिगर भी तैयार है और बंदूक भी, अब इसके अंदर डालते हैं। ये देखिए परफेक्ट फिट हो रहा है इसके अंदर। और ये देखिए इसको रबर बैंड को स्ट्रेच करके आपको हैंडल के ऐसे लगाना है। ये देखिए अब ये हमारा हैंडल बन चुका है, सॉरी बंदूक बन चुकी, अब ये हमारी बंदूक बन चुकी है। अब ये मैंने कुछ पीसेस कट करके रखे थे सजाने के लिए ताकि ये और अच्छा लगे। तो ये देखिए मैं ऐसे कुछ लगा दूंगा इसे और टेप कर दूंगा। ये अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से आप अपने अनुसार भी इसे लगा सकते। तो ये देखिए काफ़ी ही बढ़िया बन चुका है हमारा ये बंदूक। तो हमारी गन तो तैयार होगी, अब इसकी गोलियाँ है। तो ये भी मैंने वैसे ही सेम रोल करके गोलियाँ बनाई है। ये देखिए ये भी अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से आप अलग अलग गोलियाँ बना सकते हैं। मेरे को पता है आप लोग बहुत क्रिएटिव है तो आप लोग इसमें अपना भी दिमाग यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए तो एक गोलियाँ तैयार हो गई और बंदूक भी, और ये पेपर गन हमारी हो गई। और पेपर गन की वर्किंग में स्टार्टिंग में बता चुका। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो पैसों को मत करो बर्बाद, मिलेंगे नई वीडियो में लेके नया जुगाड़। तो टिल देन बाय।